हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये हमारा 74 स्वतंत्रता दिवस है। आज मैं आपके लिए इंडिपेंडेंस डे रेसिपी लेके आई हूँ, लंच रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए मैं 3 कलर की रेसिपीज लेके आई आपके लिए। चलिए देखते हैं रेसिपीज। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टर फ्राइड कैरेट। उसके लिए हमें चाहिए गाजर, सौंफ, चना दाल, हल्दी, सौर, किचन किंग मसाला, टोमेटो प्यूरी एंड गार्लिक पेस्ट। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें सौंफ डालेंगे, चना दाल डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे इसको। ये जलना नहीं चाहिए, इसको हमको स्लो फ्लेम पे चलाना है। अब इसमें हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे, गाजर को भी डाल के चला लेंगे हम अच्छे से। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर को भी हम अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में। फिर सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसको कवर कर देंगे लिड को, 2-3 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे, गाजर सॉफ्ट होने देंगे। अब हम लिड ओपन करेंगे 2-3 मिनट के बाद, अच्छे से चला लेंगे इसको फिर से। देखिए हमारी गाजर सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, टोमेटो प्यूरी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, मैंने टोमेटो प्यूरी वाला ही कप यूज किया है, उसी में डाल के पानी डालना है आपको। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम लिड ओपन करेंगे, इसको चला लेंगे अच्छे से उससे। अभी ये हमारा कैरेट रेडी है, सब्जी रेडी है हमारी कैरेट की, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। ये हमारी कैरेट की रेसिपी थी। नेक्स्ट रेसिपी हमारी है ग्रीन पुलाव की। इसके लिए हमें चाहिए सोप राइस, धनिया, पुदीना की पत्ती, हरी मिर्च, सॉल्ट, लौंग और लहसुन की कलियां। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम धनिया पत्ती, पुदीना की पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। इन सब को डालने के बाद हमें पेस्ट बनाना है। मैंने अभी पानी नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, जिससे कि ये हमारा स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर से हम चलाएंगे मिक्सी, ये हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें घी डालेंगे, मैंने देशी घी यूज किया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऑयल, बटर, कुछ भी। उसमें लौंग डालेंगे, अब ये सोख के हुए राइस डाल देंगे उसमें।
और अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन पेस्ट डाल देंगे, जो हमने हरा धनिया वगैरह का पेस्ट बनाया वो पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर हम, और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे, इसको भी मिला लीजिए सॉल्ट को भी। अब इसमें पानी डालेंगे जो हमारे राइस को हल्का सा कवर कर लेगा। अब ढक्कन लगा देंगे हम और एक सीटी आने तक राइस को पकाएंगे। एक सीटी के बाद, ठंडा होने के बाद, हम कुकर को ओपन करेंगे। हमारा ग्रीन पुलाव रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है अनियन रायता। इसके लिए हमें चाहिए कर्ड, अनियन, शुगर और सॉल्ट। कर्ड को हम बीट कर लेंगे, उसमें अनियन ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये थी हमारी तीसरी रेसिपी रायता की। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्विक लंच इंडिपेंडेंस डे का। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए, केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन कलर मैंने यूज किए हैं। केसरिया जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और पवित्रता का। ये बीच में मैंने धर्म चक्र के लिए स्टारनीज यूज किया है, और हरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी संपन्नता को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।